हेलो गाइस, आपका अपना नैरेटर आ चुका है और वापस से एक बार हमारी इस माइनक्राफ्ट की दुनिया में। तो गाइस यार, बहुत दिनों के बाद हमारे माइनक्राफ्ट की वीडियो आई है। यार मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ कि हमारे वर्ल्ड में यार कितने सारे अपडेट्स मैंने करे हैं। थोड़े बहुत ही करे हैं, लेकिन कोई बात नहीं। तो यार जल्दी से मैं आपको दिखा देता हूँ यार। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस यार, पिछली वाली वीडियो में आपने देखा ही होगा कि यार मैंने बनाया था ये आयरन फार्म, जो कि एकदम तगड़ी तरीके से काम कर रहा है। और गाइस यार, जैसे कि आप देख सकते हो, फिलहाल तो ये बक्सा देखो भाई, कैसा ही दिख रहा है यार। गाइस ये आपको घर दिख रहा होगा, लेकिन ये घर नहीं है, एक स्टोन फार्म है यार, जैसे कि आप देख ही सकते हो। मालूम है तेरे बाप को, मत सिखा चल। और इधर से नीचे हम जाएंगे लैडर के साथ, और ये देखो भाई, इधर सारा स्टोन और कॉबल स्टोन आ जाएगा। और गाइस ये देखो, मैंने नई वाली एक्स भी बनाई है और एक शवल भी। एंड ऑल्सो गाइस ये देखो, ये वाली पिकेस भी मैंने नई वाली बनाई है यार। देखो इसमें यार स्टील टच है। सो गाइस ये देखो भाई, आयरन गोलम जल कैसे रहा है उधर। यार कोई बात नहीं, रेस्ट इन पीस आयरन गोलम, क्या ही कह सकते हैं, कोई बात नहीं। ये देखो भाई साहब, इतना बड़ा टावर दिख रहा है, ये मतलब पूरे ब्लॉक्स लगाते गए हूँ मैं ऊपर। एंड गाइस ये देख सकते हो भाई, गन पाउडर फार्म है जिसको मैंने बनाया है। और देख सकते हो भाई, इधर नीचे आने के बाद इधर से हमें गन पाउडर मिल जाता है आराम से। तो गाइस अभी बात कुछ ऐसी है ना, ये जो डायमंड आर्मर है, इसको मुझे यार देख के यार मैं परेशान हो चुका हूँ यार। मुझे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना है यार। तो गाइस यार, इसी की वजह से मैं आज जाने वाला हूँ नेदर में, क्योंकि गाइस उधर हमें मिलने वाला है एशियन डेवरीज, और उससे हम बना सकते हैं नेदरराइट, और तभी हमारा बनेगा एक नेदरराइट का फुल्ली आर्मर। गाइस ये जो मैंने गन पाउडर बनाया है ना, इससे हम सारा गन पाउडर लेने वाले हैं, एंड ऑल्सो सैंड लेने वाले हैं, बिकॉज हम बनाने वाले हैं बहुत सारे TNT। और भाई जब नेदर में जाके फोड़ेंगे ना, तो भाई देखते हैं हमें कितने एशियन डेवरीज मिलने वाले हैं। फिलहाल तो यार जल्दी से अभी जाता हूँ, गन पाउडर है ना उसको ले लेते हैं, और उधर से सैंड भी मैंने कलेक्ट नहीं किया तो उसको भी कर लेते हैं जल्दी से। A few moments later. Okay, guys, sir, मेरा आर्मर देखो भाई एक बार कितना ज्यादा चमक रहा है। तो guys, जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास अभी बहुत सारे सैंड आ चुके हैं भाई। मैं अभी जाता हूँ फिलहाल तो जल्दी से यार मेरे घर पे। ओके गाइस, तो फिलहाल तो मैं जल्दी से यार सो लेता हूँ, और सुबह उठ के जाते हैं यार फिलहाल तो हम एशियन डेवरीज की माइनिंग करने के लिए। ओके गाइस, तो फिलहाल तो सुबह हो चुकी है यार। और गाइस इस चेस्ट में आप देख सकते हो कि मैंने बनाए पूरे के पूरे 3 फायर रेजिस्टेंट पोशंस। देखते TNT कैसे ही बनाते हैं। वेट, मेरे को देखना पड़ेगा गाइस। गाइस मैं काम करता हूँ यार, मुझे थोड़ा बहुत और TNT चाहिए भाई, पूरी तबाही कर देंगे यार, पूरे नेदर को फोड़ डालूंगा मैं। हमारे पूरे के पूरे 2 स्टैक एंड ऑल्सो 7 TNT भी और बन चुके हैं यार। तो गाइस जल्दी से मैं अभी जाता हूँ यार नेदर में। ओके गाइस, सर जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी आ चुका हूँ नेदर में यार। और इन शैतानों की दुनिया में आने के बाद ना, देख के इनको मेरे को ना गुस्सा आने लग जाता है, इसको मार दूंगा मैं लिटरली, लेकिन मैं नहीं मारने वाला क्योंकि मेरे ही पीछे पड़ जाएगा वापस। तो मैं ना अभी जल्दी से इधर से नीचे यार माइन कर देता हूँ। और गाइस हमें जाना है पूरे के पूरे यार 14 लेवल तक, जल्दी से हम जाते यार फिलहाल तो। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं भी फिलहाल तो यार 14 लेवल पे। तो गाइस मैं भी फिलहाल तो अपनी माइनिंग करता हूँ स्टार्ट यार। तो गाइस मैं अभी एक ही डायरेक्शन में सीधा जाने वाला हूँ, और वापस TNT लगाते हुए आने वाला हूँ यार। तो यार जल्दी से वो स्टार्ट करते अपनी माइनिंग। और भाई देख सकते हो मेरे पिकअप जो काम कर रही है ना, लिटरली मैं भाई पूरा दौड़ के जा रहा हूँ, और ब्लॉक भाई टूटे ही जा रहे हैं यार, क्या ही माइन हो रहा है। ओके देखो, मुझे नेदर क्वार्ट्ज मिल गया है। नहीं कोई बात नहीं, हमें भाई एशियन एवरेज चाहिए, ये नहीं चाहिए फालतू का सामान। एहे, रहा नहीं जाता। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय। ये देखो भाई लावा आ गया, ओ शिट भाई साहब। लेकिन गैस मैं नहीं मरने वाला, बिकॉज मेरा डायमंड आर्मर इतना तगड़ा है। गैस मैं अभी सोच रहा हूँ ना कि मैंने अभी बहुत ही ज्यादा वाली माइनिंग कर दी है। ये देखो भाई, ये खत्म ही नहीं हो रहा टनल, मतलब इतनी ज्यादा माइनिंग कर दी है। ऑलराइट गैस, तो फिलहाल
मैं अभी लगाने वाला हूँ ये TNT. तो यार अभी शुरुआत करते हैं फिलहाल. तो आई थिंक मैं एक ब्लॉक छोड़ के यार TNT प्लेस करते जाता हूँ, वही ठीक रहेगा हमारे लिए. तो जल्दी से अभी जाते हैं यार. ओके गाइस, यार ये टनल खत्म नहीं हुई, लेकिन गाइस मेरा पूरा का पूरा यार TNT का एक स्टैक खत्म हो गया है. ओके गाइस, सर जैसे कि आप देख सकते हो फिलहाल तो हमारी टनल खत्म हो चुकी है. हमारे में तेरे बाप को मत सिखा चल. और मैं इतना ही दूर अभी यार खड़ा हूँ टनल के, तो यार बचे हुए जो TNT है ना वो इनको यार मैं जल्दी से अभी इधर प्लेस कर ही देता हूँ यार. तो अभी जल्दी से अभी थोड़े बहुत ही TNT बचे हैं. ये देखो 4 TNT बचे हैं बस मेरे पास. ऑलराइट गाइस, मुझे अभी रियलाइज हुआ है कि भाई मैंने TNT तो लगा दिए, लेकिन गाइस यार मैं फ्लिंट एंड स्टील लाना ही भूल गया. यार क्या ही कर सकते हैं. तो फिलहाल तो जल्दी से अभी जाता हूँ ऊपर और भाई लाता हूँ यार फ्लिंट एंड स्टील. A few moments later. Alright guys, फिलहाल तो मैंने यार flint and steel लेके आ चुका हूँ मैं यार एकदम नया वाला. ओके भाई मैं और नीचे जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं. और guys अब आप देखो कि क्या तबाही होने वाली है. So let's go guys, जल्दी से मैं TNT को यार ignite कर देता हूँ. Let's go guys, मैं अभी थोड़ा बहुत यार दूर ही रह लेता हूँ. Alright guys, 3, 2, 1. Alright मैंने ignite कर दिया इस TNT को और भाई थोड़ा दूर ही रह रहा हूँ मैं. Alright guys, ये देखो TNT ब्लास्ट तो होते ही जाने वाले हैं, बस मुझे एशियन डबरी मिल जाए. यार वो देखो गाइस, मतलब कैसा ब्लास्ट हो रहा है. ओके उधर थोड़ा बहुत रुक गया लेकिन कोई बात नहीं. तो गाइस मैं फिलहाल तो इधर देख के जाता हूँ कि मुझे कुछ मिला भी है या फिर नहीं. यार इधर तो कुछ मेरे को दिख ही नहीं रहा है भाई एशियन डबरी. ओके गाइस ये देखो भाई सब, फाइनली माई फर्स्ट एशियन डबरी गाइस. ये देखो भाई मिल गया मेरे को. ये देखो गाइस, ये देखो भाई साहब. यार ना यार मेरे को अच्छा लग रहा है ना लिटरली. ये देखो गाइस, हिडन इन द डेप्स गाइस, लेट्स गो. और गाइस मैं आपको बता देता हूँ यार, एक एशियन डबरी होगा ना तो भाई उसके आजू बाजू भी कोई हो सकता है, कोई मतलब और भी एशियन डबरी हो सकते हैं यार. तो मैं देख रहा हूँ लेकिन मेरे को तो यार कुछ दिख नहीं रहा. कोई बात नहीं, लगता है एक ही था यार. इतना गंदा नसीब, मतलब क्या ही कह सकते हैं. गाइस मैं जल्दी से यार फायर रेजिस्टेंट पोशन पी लेता हूँ. यार ऑलराइट मेरा एक फायर रेजिस्टेंट पोशन चला गया है. तो इधर बहुत सारे TNT अभी बाकी है यार फूटने, जल्दी से मैं इसको भी फोड़ देता हूँ. 3, 2, 1 गाइस लेट्स गो. मैं अभी थोड़ा दूर चला जाता हूँ, कोई बात नहीं. ओ भाई ओहो मज़ा आ गया यार, ये क्या ही फूट रहे हैं. ओ भाई जाओ जाओ फूटते जाओ भाई, मेरे को तो भाई मज़े ही मज़े ले रहा हूँ मैं. ऑलराइट तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो सारे TNT फूटते जा रहे हैं. और इधर मैं देख सकता हूँ कि यार इधर एशियन डबरी तो मेरे को दिखाई नहीं दे रहा है कहीं पे. और देखता हूँ भाई कितने मेरे को एशियन डबरी मिलने वाला है. वो देखो उधर भी एक है, वो भी मैं लेने वाला हूँ गाइस. अब तो मज़े ही मज़े हैं. फिलहाल तो मैं जाता हूँ, देखता हूँ मेरे को कितने एशियन डबरी मिलते हैं यार. तो गाइस अभी बात कुछ ऐसी है कि मैंने सारे के सारे TNT फोड़ दिए हैं. और गाइस मैंने बहुत ज्यादा माइनिंग करने के बाद मेरे को अभी रियलाइज हुआ है कि मेरी पिकैक्स तो देखो यार, मतलब यार पूरी की पूरी यार उसकी HP खत्म हो चुकी है. और मुझे भूख लग रही है यार बहुत ज्यादा, मैं थोड़ा बहुत खाना भी खा लेता हूँ. तो गाइस यार मैं अभी ये पूरी माइनिंग करके थक चुका हूँ यार. और गाइस इस माइनिंग का जो भी रिजल्ट है ना वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, बिकॉज मुझे मिले हैं पूरे के पूरे 18 एशियन डेब्रीज. ये जो एशियन डेब्रीज है ना पूरे के पूरे 18. तो यार मुझे लगता है इनमें यार मेरा पूरा का पूरा नेदरराइट का आर्मर तो बन ही जाएगा, ऐसा मुझे तो लगता है यार. पैसा ही पैसा होगा. गाइस यार फिलहाल तो मैं अभी जाता हूँ मेरे ओवरऑल में यार जल्दी से. तो गाइस यार फिलहाल तो मेरे पास जो एशियन डेब्रीज है इनका क्या करना पड़ेगा पता है, इनको यार मुझे रखना पड़ेगा इधर. और गाइस मेरे पास कोल नहीं है क्या. ऑलराइट इसमें है, इसका ही भाई उठा के इधर डाल देते हैं. बड़ा हरामी हो बेटा.
सो गाइस यार मैंने अभी फिलहाल दोस्त मीटिंग टेबल भी बना लिया है, और गाइस इसको मैं नहीं बनाता ना तो भाई नेदरराइट का आर्मर भी नहीं बन सकता। तो गाइस यार जल्दी से मैं अभी बना देता हूँ यार हमारा पूरा का पूरा नेदरराइट आर्मर। ऑलराइट गाइस हमारी एडवांसमेंट कंप्लीट हो चुकी है, हमारा जो चैलेंज है वो कंप्लीट हो चुका है यार पूरा का पूरा। तो गाइस अभी मैं हो चुका हूँ यार पूरे के पूरे मेरे माइनक्राफ्ट के हमारे नेरेटर भाई के वर्ल्ड का सबसे तगड़ा इंसान यार। अब आ रहा है ना असली मजा यार, डायमंड आर्मर को देख के मैं बोर हो चुका था, लेकिन अब भाई असली गेम शुरू होने वाला है क्योंकि एंडर ड्रैगन तेरी बैंड में जल्द से जल्द बजाने वाला हूँ। तो गाइस यार आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई हो और हमारा ये नेदरराइट का आर्मर भी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।